हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रेमचंद द्वारा लिखित दो पहलों की कथा इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। जूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार जूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खुट्टी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन छुरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सेल था, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खून खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी-कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए उन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को छुरी छुपे दो रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। छुरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सकते। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहां और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवर को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंदा देखकर वह भी न भाग सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सिंह चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी छुनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। हमारे अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।